मैं डॉक्टर अमिता जैन, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनो। आज का मेरा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा अर्थात सेकेंडरी एजुकेशन। कक्षा 9 तथा कक्षा 10 की शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा 11 और कक्षा 12 की शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। स्पष्ट है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक चलने वाली माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है तथा उच्च शिक्षा से पूर्व यह समाप्त हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा के उपरांत ही बालक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा स्तरों के बीच स्थित होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है, माध्यमिक शिक्षा सामान्य शिक्षा की परिसमाप्ति है, अर्थात मानव विकास की किशोरावस्था से संबंधित होने के कारण तथा भावी युवा शक्ति के नेतृत्व के प्रशिक्षण का प्रथम केंद्र होने के कारण माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। दूसरा कारण है, माध्यमिक शिक्षा रोजगार तथा जीवन यापन के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार है। किसी भी राष्ट्र की मानव शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग माध्यमिक शिक्षा स्तर से ही प्राप्त होता है। तीसरा कारण है, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा स्तरों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, अर्थात प्राथमिक स्कूलों के अधिकांश अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होते हैं तथा उन्हें मिली शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी सीमा तक प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा केंद्रों के लिए छात्रों की पूर्ति का कार्य भी माध्यमिक शिक्षा करती है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा एक आधार का कार्य करती है। इससे स्पष्ट है कि इन तीनों ही दृष्टियों से माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। माध्यमिक शिक्षा के इस महत्व के कारण ही इसे शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी मनुष्य के संपूर्ण शरीर को संभाले रहती है, ठीक उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा भी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को संभालती है। यदि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा भी गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ होती है।